देखता ही रहेगा कि लगाएगा भी क्या फोटो जो तूने खींची है, जिसके लिए तुझे अवार्ड मिला है, जो तेरे हाथ में। हाँ लगाता हूँ। कितनी बार देखेगा वो फोटो, अगर इतनी पसंद आ गई तो उसे कॉलर तो घर ले जाओ उठा के। आइडिया तो अच्छा है, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है वैसे। मैं पागल में मजाक कर रहा हूँ, और इतनी पसंद है तो कुछ करता क्यों नहीं, माचो बनने का टाइम। एक्सक्यूज मी, I'm talking to you. मेरे pictures, ये what are you doing? सच बोलो, बुरे है ना? They suck, right? I know they do. इसलिए तुम इसे वहां से उतार रहे थे, है ना? आई नो कि तुम एक फोटोग्राफर हो और तुम जानते हो कि क्या अमेजिंग है और क्या मीडियोकर। मैं भी जानती हूँ, बट आई टेल यू समथिंग, कम हियर। अगर शहर के लोगों में थोड़ी सी भी अक्ल होती ना तो मुझे मिस फ्रेश फेस कभी नहीं बनाते। यू नो दिस इज द रीजन, इसीलिए आई जस्ट हेट दिस टाउन और स्पेशली ये पिक्चर्स। देखो ना, ना कोई एंगल सही है ना लाइटिंग, आई लुक हॉरिबल। थैंक यू ना वहां से उतारने के लिए। भाई ये क्या हुआ मेरे साथ अभी अभी? वो लीला थी, लीला। भाई किस्मत मुस्कुराई है, अपसेट क्यों है? तेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्या? रंगे हाथों पकड़े जाने वाले थे, इंसल्ट हो जाती कितनी बुरी पता है तेरे को? कहाँ वो ब्यूटी क्वीन, कहाँ मैं? वो होगी ब्यूटी क्वीन, पर तू भी तो एक अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर है कि नहीं? तो अबे उसको अपनी फोटो पसंद नहीं आई है। अरे तो यही तो अच्छी बात है कि उसको अपनी फोटो पसंद नहीं आई है, क्योंकि तू भी तो एक अच्छा फोटोग्राफर है और उसको अपनी फोटो पसंद नहीं आई है। मैं उसकी फोटो क्लिक करने का उसको ऑफर दे सकता हूँ, इसके बदले तू उससे बात भी कर पाएगा और बात करते करते मैं उसका दिल भी जीत लूंगा। यही तो बात है, यही तो बात है। देखकर उसकी फोटो सोचा था कब होगा इंट्रो, मिलेंगे हाथ मिलेगी लकीरें, और आज इट वॉज लाइक यू नो, फोटो से बाहर आ गई हो जैसे वो, और दिल इसका झूम उठा जो, यू हैव टू फील इट टू नो, अब जो खुले हैं दरवाजे क्या करेगा क्या नहीं ये तुम देखो, what he will do what not, ये तुम देखो, what he will do what not, ये तुम देखो। कुणाल कितनी प्रिटी है ना वो, मुझे देख, मेरी तो शर्ट भी सही से आयरन नहीं है। अबे भाई जा जा। सॉरी सॉरी। हाय लीला। हाय। सैंडविच कैसा है? सॉरी मैं सोच रहा था सैंडविच ऑर्डर करने का अपने लिए, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं तुम खा रही हो। मत करो क्योंकि ये व्हाट नॉट गुड यू नो। ओके एक्चुअली ना मुझे तुम्हारी पिक्चर्स भी लेनी थी। अब मेरी पिक्चर्स? हाँ मतलब तुम्हें मेरी पोर्टफोलियो शूट करना है? या क्यों? क्योंकि आई थिंक यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड आई कैन कैप्चर इट।
मैं फीस नहीं दूंगी। नहीं, फीस की कोई बात नहीं है, तुम्हारे पोर्टफोलियो के साथ साथ मेरा भी तो पोर्टफोलियो बन जाएगा ना, तो फीस की कोई बात नहीं है। तुम्हें ना मेरे पापा से बात करनी होगी इसके लिए, ठीक है? पापा से क्यों? ऐसे ही जस्ट जनरली प्रॉब्लम है। नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कब आना बता दो मुझे, मैं आ जाऊंगा। तो जेबी नगर बंगलोर नंबर 49, कल शाम को 5:30 नोट पक्का, बाय। वेट अ मिनट। हां हां, प्लीज फुल स्लीव्स पहन के आना। ठीक है, बाय। मैंने बोला था ना ट्राई कर, देखा? पापा, ये मोहित है। ओके। इसमें तुम्हारा हुनर जो है ना निकल कर आ रहा है। फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि पोर्टफोलियो बनेगा, लेकिन उस फोटोग्राफर से पहले मैं मिलूंगा। एंड यू नो वन थिंग, इसके पहले भी एक जनाब आए थे, उनका नाम था कुछ रंजीत। पापा रंजीत नहीं, रणवीर। ओह, आई गॉट इट, रणवीर। ओह, बड़ा अजीब और गरीब इंसान था वो, और ठीक उसी जगह पर बैठा था जहाँ पर तुम बैठे हो। माय गॉड, मैंने तो साफ मना कर दिया, तो मैडम ने भूख हड़ताल कर दी। वो क्या है कि फिर लीला ने मुझे तुम्हारा नाम सजेस्ट किया। उसने मुझसे कहा कि एक फोटोग्राफर है जिसको अवार्ड मिल चुका है, गुड, तुम्हारा टैलेंट मैंने देख लिया, यू कैन गो फॉर फोटोशूट। थैंक यू सो मच सर। Dad, are you serious? Yeah, of course I'm serious, my baby. Oh my God, thank you so much, Dad. You're the best. Okay, मेरे पास कुछ reference pictures हैं, मैं अभी जाके लेके आती हूँ. Okay, bye. Excuse me, चलो. मेरी दो बातें याद रखना कि जो भी photos होंगी वो traditional कपड़ों में होंगी, सलवार सूट या लहंगे में, क्योंकि इस तरीके की photos के matrimonial में काम आ जाएंगी. बिल्कुल. और दूसरी बात, जो भी शूट होगा पब्लिक प्लेस में होगा और दिन के उजाले में होगा। बिल्कुल सर। इज दैट क्लियर? क्लियर सर, यू कैन गो अहेड। थैंक यू सो मच। ऑलवेज। तेरा सीन सेट है। वो तो मैं खींच ही लूंगा, लेकिन यार मुझे ना छोटी सी प्रॉब्लम लग रही है। क्या? यार ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और फैशन फोटोग्राफी में बहुत डिफरेंस है, और मुझे तो फैशन के बारे में इतना मालूम भी नहीं है। अच्छा अच्छा, अरे झूठे, रात रात में क्या देखता था टीवी पे, भूल गया? पागल, देखने में और शूट करने में फर्क होता है। मैं शूट की लोकेशन ढूंढने जाता हूँ। चल बाय। जा 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 जा। कर कर, पोस्ट कर, थोड़ा और खुल के करना, और अबे आधे घंटे से पोस्ट कर रहा हूँ, कब आएगी वो? आ जाएगी थोड़ी देर में यार,
मैं भी तो उसका इंतजार कर रहा हूँ। इतनी भीड़ में शूट कैसे करेगा, कल रात को खाली था ये। सब ठीक होगा, तू टेंशन मत ले, मैं बोल रहा हूँ ना, तू पोस्ट कर, मैं जाके चला। हाय हाय, यू लुकिंग प्रिटी। थैंक यू। अब हम यहाँ पर शूट करेंगे। हाँ परफेक्ट है, बहुत अच्छी पिक्चर्स आएंगी। हाँ देखो ना, संतरे सेब कुछ भी बोलता है, लेकिन पिक्चर्स अच्छी आएंगी सच में। हाँ श्योर श्योर, वी विल स्टार्ट। आई विल गिव यू द मार्क, कम हियर, दिस इज योर मार्क। हाँ थोड़ा सा पीछे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो यू आर नर्वस? बाबा, अरे अंकल क्या कर रहे हो, शूटिंग चल रही है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वील डू इट वंस अगेन। लीला स्माइल। या अरे ए रुको बच्चों, अरे आंटी, आंटी सॉरी आ बच्चों। अरे आई एम सॉरी, एक बार और ट्राई करते, इस बार कुछ नहीं होगा, चल। क्या एक बार और ट्राई करते हैं? दिस इज नॉट हैपनिंग। अरे पब्लिक प्लेस में शूट करने का मतलब ये तो नहीं कि हम पब्लिक के धक्के मुक्की के बीच में शूट करें। तुम्हारे पास कोई दूसरी जगह नहीं है? है ना, है क्या का? है दूसरी जगह है हमारे पास, हम वहां पे शूट करेंगे इस बार, भीड़ भाड़ से दूर। वीर जी तुसी मैडम तो बात साड़ी फोटो खिंच सकते हो? वीर जी एक्चुअली मैं वैसा वाला फोटोग्राफर नहीं हूँ। ओए वीर जी, मन्ने की तुम्हारे पास बड़ा कैमरा है, हमारे पास भी 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। तुसी खड़ो जी। अरे मैडम जी सैड होई। वीर जी मेरी बात तो सुन, थोड़ा फिल्म चल मेरे सैड में हो जाए। मुझे यहाँ पर नहीं हो पाएगा, पब्लिक प्लेसेस में बहुत पब्लिक आती जाती है। नहीं हम एक और कोशिश करते हैं, मुझे एक जगह मालूम है सच में। ए मोहित। हाँ तू यहाँ पहले भी आया क्या वाइल्ड लाइफ के लिए? हाँ तू भी तो आया था साथ में। हाँ आया। मोहित आर यू श्योर यहाँ पर सांप नहीं है? कम ऑन लीला, सांप जंगल में तो और कहाँ होंगे। कुणाल। मोहित उसकी बातें मत सुनो लीला, कल नाग पंचमी थी, सारे सांप दूध वूध पी के सो गए, चिल कर। चलो स्टार्ट करें। वेट वेट, ओके तुम कंफर्टेबल हो जाओ। हाँ ओके रेडी स्माइल। अरे चिल 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 चिल, डंडी डंडी सांप है। ऐसे कैसे क्लिक कर रहे हो? सॉरी टू से लेकिन इनमें कोई फैशन नहीं दिखाई दे रहा। ये क्या क्लिक किया है तुमने? जस्ट लुक एट माई हेयर,
मेरे झुमके भी नहीं दिखाई दे रहे, यू नो आधे घंटे तक डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन से पहनूं, एंड दिस इज व्हाट यू क्लिक। क्यों मिस्टर अवार्ड विनर, तुम सच्चाई नहीं सुन सकते? नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम बोलो तो मुझे बोलना। तो सुनो, these pictures they are absolutely stunning। तुमने डरा दिया था मुझे यार। जब मैं मुंबई जाके बहुत बड़ी मॉडल बन जाऊंगी ना, तो ये दिन जरूर याद करूंगी। मोहित, I just can't wait to show these pictures to everyone। Thank you so much, Mohit। हड़ताल भी तोड़ी जा सकती होगी। थैंक यू। वैसे मैंने कोई भूख हड़ताल नहीं रखी थी, मुझे ऐसे ही पापा को फोर्स करने के लिए ना मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया। कैसी है? जैसे नो लाफ, ओके? व्हाट डोंट लाफ? करना पड़ता है, ये लो। क्यों? यू डोंट नो माय फादर, ही इज वेरी स्टबर्न जस्ट लाइक मी। इनफैक्ट अगर पापा राजी ना होते ना, मैं तो कब का घर से भाग जाती। रियली? या बैग्स भी पैक रखी थी मैंने, सोचा था रात को टीवी का वॉल्यूम लाउड पे रख के दरवाजा अंदर से लॉक करके खिड़की के बाहर सीधा ज़ूप स्ट्रेट टू मुंबई। प्लान्स तो बड़े कड़क बना लेती हो तुम। लेकिन अब ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक दोस्त है बॉम्बे में, वो एक बहुत बड़ी मॉडलिंग एजेंसी में काम करता है, मैं कल उससे बात करने वाला हूँ। एक मिनट। नो वे। होल्ड दिस। मोहित, मोहित तुम तो गॉडसेंड हो यार। कैसी है? पिक्चर्स तो अच्छी आई है। अच्छी है क्या? She's looking very pretty। हेलो, हाय विक्की, कैसा है यार तू? मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ, बस छोटी मोटी फोटोग्राफी चल रही है। अच्छा लिसन ना, मुझे तुझसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। तू वो मॉडलिंग एजेंसी में अभी भी काम करता? सुपर। एक मॉडल है, उसकी पिक्चर्स तुझे देखनी चाहिए। रियली? बोल, तूने खुद की? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ शी इज स्पेक्टेकुलर, शी इज रियली गुड, मैंने खुद देखी है पिक्चर्स, तो मैं भेजूँ तुझे? नहीं? ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई, थैंक्स। मना कर दिया क्या? ऐसे कैसे मना कर दिया, दोस्त है मेरा वो, उसका एक कोऑर्डिनेटर है यहीं पे कसौली मेरन भी, कह रहा है उसके थ्रू पिक्चर्स भेजनी है। चलेगा फिर तो काम हो जाएगा। ये तो लीला है, राइट? आप जानते हो लीला को? कैसे? मिल चुका हूं मैं लीला से, और इसके बाप से भी। ओ, तो आप भाई हो? What? नहीं नहीं कुछ नहीं, sorry। तुमने कैसे खींची ये फोटोज? और ये लोकेशन कौन सी है? One second। Who are you again? मैं मोहित। मोहित कौन? मैं यही कॉलेज में पढ़ता हूँ, amateur photographer हूँ। Amateur? दिख रहा है? पर रणवीर सर, मुझे मिकी ने आपका नंबर दिया था, आपसे मिलने के लिए बोला था, आप यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप पिक्चर्स भेजेंगे तो कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। क्या ये पिक्चर भेजूंगा मैं बॉम्बे? इन योर ड्रीम्स लीला स्टार बन सकती थी अगर कोई प्रोफेशनल वेल ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट मेरी तरह उसकी पिक्चर्स खींचता, तो ये कूड़ा है, जानवर बना दिया तुमने उसे। सर ऐसे मत बोलिए सर, आप एक बार ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ काम। शट अप, मुझे मेरा काम मत सिखाओ, समझे? मेरी एक रेपुटेशन है, मैं कोई एमेचर फोटोग्राफर नहीं हूँ। सर पिक्चर्स इतनी भी बुरी नहीं है। देखो मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत टाइम दे चुका हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है, अभी अगर तुम्हें भीख मांगनी है तो
तो वहां जाके मांगो। गेट लॉस्ट। सर एक बार सर एक बार बस। छोड़ना यार, ये तुमने क्लिक किया सर, पता नहीं क्यों, लेकिन आज सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं एक्चुअली। यू लाइक दिस? पापा आई लव देम, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर्स, आई लुक सो ब्यूटीफुल। यू नो मैं सबके साथ ये फोटो शेयर करने वाली हूँ और हर जगह ऑडिशंस के लिए भी अप्लाई करूंगी। और आपको पता है क्या, मोहित ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो बहुत जल्दी मुझे एक अच्छे मॉडलिंग एजेंसी में एंट्री दिलवाएगा। राइट मोहित? राइट। अच्छा मैं अभी जाके ना सारे फोटोज अपलोड करती हूँ। गुड वर्क यंग चैप। थैंक यू सर। ऐसा करते हैं चल के एक वॉक लेते हैं बाहर। श्योर। कम ऑन। एक सीक्रेट सुनोगे? यस सर। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मॉडलिंग करे और इसीलिए मैंने उसके पोर्टफोलियो के लिए मना किया था। और जब मैंने हाँ की तो तुम्हें चुना एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को। यू नो व्हाट, देखो मेरी उम्र हो गई है 61 ईयर्स की, लीला हमेशा हमारे आसपास रही है और इस बुढ़ापे में मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर चली जाए। और एक बात मैं तुमको समझा देना चाहता हूँ कि उसकी एक भी तस्वीर मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। Is that understood? Yes, sir. Good. जब मैं मुंबई जाके बहुत बड़ी मॉडल बन जाऊंगी ना तो ये दिन जरूर याद करूंगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? मिल गया। चल। क्या मिल गया? लीला को स्टार बनाने का आइडिया। चल। चल चल। बहन जी और भी है, आप देखो तो। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। आपको पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको एडवर्टाइजिंग की जरूरत है और अंकल सिर्फ आपके लिए मैं एक फोटो शूट कर सकता हूँ, एक बड़ी टॉप मॉडल सुंदर सी लेके बढ़िया सा फोटो शूट। इस टॉप मॉडल को पटाने का जो तरीका है ना कहीं और इस्तेमाल करो, मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ। नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है। अरे अंकल आप टेंशन क्यों लेते हैं, इन सब के लिए तो हमें ना हम सब 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 फ्री में कर देंगे। फ्री में आपको करना है? हाँ। अच्छा तो ये तुम्हारा बेस्ट ऑफर है? हमारी तरफ से तो यही बेस्ट ऑफर है अंकल, आपके पास है कोई ऑफर तो आप दे दो। हाँ है ना। तो बेटा तुम दोनों शाम को इस दुकान पे आ जाना और मेरे साथ साड़ी तय करवाने में मदद करना। चल भाई। मंजूर है। मंजूर है ना? मंजूर है। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। तो कैसा लगा आइडिया लीला? मोहित सच कहूँ तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अभी मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे इतनी जल्दी एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिल जाएगी। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। I just don't want to let you down. अरे नहीं पागल, तुम्हें पता है ये असाइनमेंट मुझे कैसे मिला? सिर्फ तुम्हारी वजह से, because of you. जब मैं गया क्लाइंट के पास और मैंने उन्हें तुम्हारी फोटोज दिखाई तो उन्होंने बोला ये लड़की तो मिस इंडिया बनेगी। Really? सच में। और उन्होंने ये भी बोला तुम एक ही शर्ट पे फोटोशूट कर सकते हो अगर यही तुम्हारी मॉडल रहेगी। Oh my God. ये इनक्रेडिबल ऐड होगी ना। हम दोनों दुनिया को दिखा देंगे, फिर लोग पूछेंगे कौन है ये। या कौन है ये? ब्यूटीफुल है ना? हाँ। इसने तो मेरी साड़ी की शोभा बढ़ा दी। अंकल बस अब आप ये बताओ कि दुनिया आपकी साड़ियों के एड्स में ये फोटोज कब देखने वाली है? भाई ये फोटो मेरे साड़ी के डब्बे के ऊपर लगेगी। अंकल लेकिन फोटो देखो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। देखो आपकी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, तो कलर निखर के आ रहा है। नहीं मैं कुछ गलत कह रहा हूँ भाई? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये फोटो साड़ी के डब्बों के ऊपर लगेगी तो कस्टमर मोल भाव भी नहीं करेंगे, तो फिर एड में पैसे बर्बाद करने की जरूरत क्या है? सब ठीक है लेकिन अंकल इतनी अच्छी फोटो दम। एक मिनट, अब दुकान का भी कुछ काम कर लो। ए भाई। हाँ, अंकल दोनों साड़ियाँ। हाँ यही तो हमारा काम है।
ये ले, ये मुझे बहुत पसंद है अंकल, दो सर एक और दो। ये लो, काम कुछ नहीं करेंगे, यही तो करना आया हूँ मैं। यार मोहित, ये चमत्कार हुआ कैसे? मैंने किया अपने कैमरे से। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है तूने फोटो खींची है, बट ये होर्डिंग किसने खरीदी? मैंने ही खरीदी है अपना कैमरा बेच के। क्या बेच के? कैमरा। अबे तूने अपना कैमरा बेच दिया? My God. I can't believe it. मेरी बेटी। I just can't believe this. What? Who did this? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानते थे ना कि हमें लीला को इनकरेज नहीं करना है। क्यों किया तुमने ये? Dad, मुझे भी तो congratulate करो। Congrats, my baby. Congrats. I like that. Very good. अब देखना Dad. अब वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जब आपकी बेटी मुंबई के billboards पे भी जा जाएगी। Good, good, good. Yay. Right. हमारी दुकान से बड़ी एड नजर आ रही है। सब पैसों का खेल है अंकल, सब पैसों का। वो मॉडल के डैडी जी को देख रहे हैं आप? वो देखो उसके साथ खड़े, बड़े रईस लोग हैं। उनसे ना देखा नहीं गया कि आप होर्डिंग नहीं लगा रहे बेचारी बच्ची? उन्होंने कहा तो क्या हो गया, हम खुद स्पॉन्सर करते। कर दिया स्पॉन्सर। अच्छा तो मोहित, मैं कारपेंटर को बुला लूं, अंदर की दुकान भी ठीक ठाक करा लेते। सही आइडिया। हाय लीला। हाय। हाय। मैं सोच रही थी कि मेरे तरफ से एक ट्रीट तो बनती है, तो यू नो वॉल स्ट्रीट पे एक नया मॉल खुला है, बेस्ट पास्ता मिलता है वहाँ पर, हम जाएं? हाँ, लेकिन क्या हम पहले फालूदा खाने जा सकते हैं, अगर तुम कंफर्टेबल हो? फालूदा? हाँ। अब आई मीन खाने से पहले? अरे उसका खाने से पहले खाने के बाद से क्या लेना देना। आई लव डेजर्ट्स, बाकी सबके लिए तो वेट करा जा सकता है ना। यू नो व्हाट, तुम बड़े अनकन्वेंशनल हो, बट आई सी योर पॉइंट एंड आई लाइक यू। चलो। जिसने सब कुछ पॉसिबल किया। आप कल मेरे ऑफिस आके मुझे मिलो। रियली मेरा कॉलेज कैंटीन। Actually, my college canteen is my office. Oh, good.
Okay. But thank you so much. Thank you. Nice to meet you all. Same here. Bye. 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 Thank you, Leela. You know, तुम्हारे साथ आज ऐसे हैंग आउट करके सीरियसली बहुत मजा आया. इट वॉज रियली फन. आई मीन तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया. मोहित मेरा पोस्टर नहीं है. वो बार बार पोस्टर्स चेंज होते हैं ना. अब तुम्हारा किसी दूसरी साड़ी में पोस्टर लगेगा. देख रहा ठीक है. सर सर वो होल्डिंग एक दो दिन और रहने दो प्लीज. मैं कल परसों में पैसों का इंतजाम कर दूंगा. तो क्या करेगा अब तू? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है. मैं उसको सच्चाई बताऊं तो बताऊं कैसे? मैं बताऊं? रणवीर क्या क्या कर रहा है यार? ए लीला रणवीर क्या कर रहा है? हाय रणवीर. रणवीर क्या कर रहा है? उसको क्यों बुला रहा है यार? तो जा रणवीर छोड़ ना, हम आपस में बात कर लेते हैं. हाय हाय अंकल. अंकल मोहित तुमसे कुछ कहना चाहता है. बोलो. मजाक कर रहा है. मजाक कर रहा है ना रणवीर? है ना. तुम्हें पता है इसके मुंबई में बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं. बताया होगा इसने. हाँ बट डिड यू नो कि ये मेरे पास आया था भीख मांगने के लिए कि तुम्हारे पिक्चर्स मुंबई भेज दो. सॉरी कुछ भी बोल रहा है. कुछ भी बोल रहा है. मैंने कहा तुम्हारे डैड ने मुझे इतना सुनाया लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? ये तो असली फोटोग्राफर भी नहीं है. ऊपर से इतना ढोंग करता है. लिसन जस्ट कम टू द पॉइंट. तुम्हारी होर्डिंग जो उतर चुकी है इसने लगवाई थी पैसे देकर. और वो क्लाइंट साड़ी की दुकान वाला इसका चाचा है. तुम्हें तुम्हारे बलबूते पे कुछ नहीं मिला है. ये सब इसने जुगाड़ किया है. नहीं लीला तुम इसकी बात मत सुनो. What rubbish? पूछ लो इससे. मोहित मैं कुछ नहीं कहता लेकिन मैंने देखा ये दूसरी लड़कियों को भी बहका रहा है. अभी क्या बात कर रहा है तुम? लीला कुछ भी बोल रहा है तुम इसकी बातें मत सुनो. ऐसे बहुत मिलते हैं यहाँ पे. बहला फुसला कर मुंबई के सपने दिखाकर. लिसन टू द शराब. ओके जस्ट शट द हेल अप. लीला 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 ये सब. लीव मी अलोन. बच्चे वो दो दिन से कहाँ गायब हो गया तू? तू तो कह रहा था शाम को आके मैं आपके साथ साड़ी तय करवाऊंगा. अंकल आज रहने दो, मैं बाद में आऊंगा. आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ. यार आजकल में मैं कितना परेशान हो गया हूँ. वो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं धंधा करूँ साड़ी तय करूँ या फोन पे रिप्लाई करूँ. और हाँ वो मॉडल का नाम क्या है? अंकल हम प्लीज उस बारे में बात ना करें तो अच्छा रहेगा. और मैं भी उसके बारे में कहाँ बात करना चाहता हूँ लेकिन कोई रोज मुझे मुंबई से फोन कर करके मेरा दिमाग चाट रहा है. वो कह रहा था आपके साड़ी के डब्बे पे जिस मॉडल की तस्वीर लगी है ना उसका नाम तो फोन नंबर दे दो प्लीज. मैं उसे कुछ काम देना चाहता हूँ. और मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है उसका नाम और नंबर. तो मेरी खुद की कितनी परेशानी है. अंकल कौन है वो फैशन डिजाइनर? Hello, young chap. How are you? I'm good, sir. Come on, come inside. Leela, come. अरे, first time आना. Thank you. पता नहीं तुमने क्या किया है. By God, जो कुछ भी किया तुमने गजब किया है. उसका मॉडल बनने का भूत उतर गया है. मैं भी कंसर्न था. वो फोटोशूट, वो होर्डिंग्स, वो मुंबई की बातें. You did a good job. लेकिन तुम्हें दोबारा मिलने के लिए उससे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था. क्या पता उसका इरादा बदल जाए. कल तक तो वो भूख हड़ताल पर थी और आज खाना खाया है. उसके बाद से लेकर के वो रूम बंद करके टीवी देख रही है वो भी लाउड साउंड. टीवी का वॉल्यूम लाउड पे रख के हाँ. दरवाजा अंदर से लॉक करके हाँ. खिड़की के बाहर सीधा स्ट्रेट टू मुंबई. अपने कमरे में दरवाजा बंद करके टीवी फुल वॉल्यूम पे चल रहा है.
गुड सर, मैं चलता हूँ। एक्चुअली ना मुझे यहाँ पर उससे मिलने दोबारा आना ही नहीं चाहिए था। मैं चलता हूँ सर। बोल, बोल, अरे कर उसकी फोटो अब याद आती है उन पलों की, साथ बिताए थे जो उसके सुनहरे सपने, अपने सपनों से थे जोड़े जो अब जब बात बन गई, घर से भाग चुकी है वो, तू क्यों रुका है मोहित, तू भी भाग ले, let her know, हाथ से जाने ना देना उसे, come on, off you go, 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 come on, off you go, go, go. लीला, लिसन, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। मैं मुंबई जा रही हूं और तू मुझे नहीं रोक सकती। ये ईमेल पढ़ो। अंकल को आया है बॉम्बे से एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर का। मैंने खुद बात की है उससे लीला, he wants you to model for him, और कहता है कि तुम इस असाइनमेंट के लिए परफेक्ट हो। हाँ, तो तुम ये कहने के लिए मेरे पीछे पीछे आए? नहीं लीला, मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि मैं मुंबई तुम्हारे साथ चल रहा हूं। पर मुंबई में तो वाइल्ड लाइफ है ही नहीं। लेकिन मैं वाइल्ड लाइफ से ज्यादा तुम में इंटरेस्टेड हूं। आई रियली लाइक यू। मैं ये बात तुमसे बहुत पहले कह देना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं किस